भागलपुर के ग्रामीण इलाके में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। बाढ़ के संकट का असर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर भी पड़ा है। सबौर के संत नगर और लालूचक दियारा के प्राइमरी स्कूल के बच्चे हर रोज नाव के सहारे स्कूल पहुंचते हैं। बच्चों के साथ टीचर भी इसी नाव में हर रोज स्कूल आते हैं। गाँव के बहादुर बच्चे नाव पर सवार होने में हिचकते नहीं है। बच्चे उफंती गंगा के बीच से भी गुजरने से नहीं डरते। वही खरीद है, वही इतना बच्चा सर एक लाइन ही सुधर भाई धीरे धीरे ए बैठलो रहो अभी कोई गुंडा कोई करो आज देखे आराम से आराम से आराम से आराम तो अस्तिरो सा वहीं जब बच्चे नाव पर सवार होकर गांव की तरफ आते हैं तो गांव के लोग भी उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। मक्खी पड़ी तो मुँह में लगित कर नहीं नहीं ठीक चल कर अब कते लगे थे हां हम लोग हिना घुरिक देखो सबका सोच के देखबो देवा सब ने मुंह बंद कर लेने मारबो कपड़े भंगे बदल सब ने मुंह खोल लिया वहीं स्कूल के टीचर संजय कुमार ने बताया कि हर रोज इसी तरह वे बच्चों के साथ नाव की सवारी करते हैं क्योंकि इससे बच्चों की सुरक्षा भी हो जाती है। बच्चे को लेके बच्चे को लेके जाना भी पड़ता है और कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको लेके आना ही पड़ता है। स्कूल का नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय संत नगर और उसके साथ उसी में टैग है प्राथमिक विद्यालय। क्या नाम हुआ आपका? बाढ़ के दौरान डूब इलाके में आने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ जाती है, इसलिए किसी न किसी तरह से इस समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।